हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का बैह कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग बी कॉम पार्ट वन का थ्योरी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। थ्योरी, जैसा कि आप जानते हैं कि थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा कराया गया है। चैप्टर का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको जो है थ्योरी दिया जा रहा है, थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को जो भी थ्योरी का क्वेश्चन कराया जाए सब प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग दी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वन का थ्योरी चैप्टर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मोड ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन कैसे होता है, उसका मोड क्या है। सर दो मोड होता है, एक विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब क्या होता है, कोर्ट का कोई मतलब हाथ नहीं होता है, अपने बिना कोर्ट की मदद से होता है, और एक कोर्ट के कारण कोर्ट कराता है डिसोल्यूशन। तो दो पार्ट है इसके। तो आइए पॉइंट पॉइंट में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में पॉइंट वाइज दिखिएगा, नंबर भर के मिलेगा। द फर्म मे बी डिजॉल्व बाय फॉलोइंग वे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। फर्म डिजॉल्व होगा कॉन्सेंट ऑफ पार्टनर, मतलब सब पार्टनर तैयार होंगे, हाँ फर्म को डिजॉल्व कर लो, ठीक है। फर्म डिजॉल्व होगा एज म्यूचुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो चुका होगा तो फर्म डिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ऑल पार्टनर और लिविंग वन पार्टनर, ऑल ऑफ देम डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, क्या हुआ सर, या तो सभी पार्टनर या फिर वन पार्टनर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। द सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, मतलब क्या हुआ सर, सर हुआ क्या कि जो पार्टनरशिप है उसे हमने, जो पार्टनरशिप को हमने स्टार्ट किया था उस सर्टेन पीरियड के लिए किया था, और वो जो टाइम जो है वो लैप्स कर गया, मतलब दो साल के किया था, दो साल कंप्लीट हो गया, तो उसके कंप्लीट होने से क्या होगा, दो साल जैसे ही कंप्लीट हुआ हमने अपने फर्म को बंद कर लिया, ठीक है। तो डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर ही मर गए और पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो अपने आप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, समझ में आया। बस पॉइंट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, छोटे छोटे पॉइंट हैं। अब कोर्ट डिसॉल्व करेगा कब, जब इनसेंटिटी ऑफ पार्टनर, मतलब एक पार्टनर का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इनसेंटिटी, ही इज नॉट कैपेबल टू डूइंग हिज वर्क, तो क्या होगा ना, पार्टनर कोर्ट डिजॉल्व कर देगा। परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर का मतलब वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ही इज नॉट कैपेबल, ही इज ए माइनर, ही इज नॉट अ मेजर, तो इस टाइप के कुछ इनकैपेसिटी होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखना पड़ता है। आप आगे पढ़ेंगे, पार्ट टू में पढ़ेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भैया परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर का हो जाए ना, मतलब कि पार्टनर इज नॉट कैपेबल टू इंटर इनटू ए पार्टनरशिप, तो उस वजह से मिसबिहेवियर करता है अगर पार्टनर के साथ, ट्रांसफर इंटरेस्ट बाय पार्टनर, या फिर बिजनेस जो है लॉस में चल रहा है, तो अगर लॉस में चल रहा है तो कोर्ट जो है जज साहब वो क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। क्लियर है, पूछेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अब जो है इसका अकाउंट कैसे सेटलमेंट होता है उस पर थोड़ा देख लेते हैं, टॉपिक्स हटा देंगे, टेंशन लीजिए। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बैहो कॉमर्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पर इस PDF को ले लीजिए। पेमेंट ऑफ फर्म, देखिए क्या होता है, जब होता क्या है, जब डिजॉल्व होता है ना, तो जो भी डेप्थ होते हैं उसको पेमेंट कर दिया जाता है, जो भी डेप्थ होते हैं उसको पेमेंट, व्हेन दे आर जॉइंट डेप्थ ड्यू फ्रॉम फर्म एंड सेपरेट ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म विल बी अप्लाई इन फर्स्ट एंड पेमेंट ऑफ डेप्थ, मतलब क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी जो फर्म का है उसको अप्लाई करके हम डेप्थ को पे कर देते हैं, बस इतना याद रखिए। ये पॉइंट सेकेंड नंबर पॉइंट को याद कर लीजिए, ज़्यादा कुछ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म है उसको सर अप्लाई करते हैं और डेप्थ का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन, सर जब डिसोल्यूशन होता है ना, आप देखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं उसमें प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट पार्टनर अपने घर ले जाएगा, जी हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर होता है, इफ़ देर इज एनी प्रॉफिट आइदर फ्रॉम प्रॉपर्टी से हो या फिर बिजनेस ऑफ फर्म से, आफ्टर डिसोल्यूशन और बिफोर इट अफेयर एट इज कम्प्लीटली बर्न, इट हैज फुल्ली अकाउंट सच प्रॉफिट टू अदर पार्टनर, मतलब सर वो पार्टनर अपने घर ले जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, वैन पार्टनर हैज प्रीमियम ऑन इंटर इन पार्टनर से फिक्स टर्म एंड डे डिसोल्व बट एक्सपायरेशन टर्म, देन डेथ ऑफ पार्टनर सर इंटाइटल टू रिपे प्रीमियम ऑफ, देखिए क्या होता है ना कि अगर पार्टनर का प्रीमियम लिया होता है, तो अगर पार्टनर मर गया ना, तो उसका प्रीमियम का रीपेमेंट आपको करना होगा, आपका प्रीमियम का रीपेमेंट करना होगा। एंड डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू इज मिसकंडक्ट एंड डिसोल्यूशन इज पर्सन्स एग्रीमेंट, तो इसको कोई जरूरत नहीं है,
मेन आप ये याद कीजिए, ये याद कीजिए, उसमें भी सेकेंड पॉइंट मेन है और इसमें तो ईजी है भाई, पार्टनर घर लेके जाएगा पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको मोड बता दिया, मैंने आपको मोड बता दिया, मैंने आपको मोड ऑफ डिसोल्यूशन फॉर्म में दो पॉइंट होते हैं तो बता दिया, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आई होप कुछ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।